नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य राजा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ चमत्कारी टेक न्यूज के बारे में। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब तक किसी और ने लीक नहीं करी हैं, और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के बाद एकदम ही मजा आ जाएगा। तो दोस्तों टिके रहिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली टेक न्यूज जो है वो ये है कि वन प्लस 7 का एक प्रोटोटाइप जो है वो लीक हो चुका है। ये सबसे सबसे ज्यादा ही फ्रेश न्यूज है जो कि मेरे पास है। और इसका जैसे आप ये इस पिक्चर से थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ चाइनीज साइट्स पे लीक हुई है और उससे आइडिया लग रहा है कि ये जो प्रोटोटाइप है ऑलमोस्ट बेजललेस डिजाइन वाला होने वाला है, और इसमें शायद से स्लाइडर डिजाइन आएगा जैसे मी मिक्स 3 में था। और वन प्लस 7 एक बहुत ही खतरनाक फोन हो सकता है, पर क्योंकि अभी ये शायद से प्रोटोटाइप ही है और ये जो ये पिक्चर्स लीक हो रही है इनके सोर्सेज उतने रिलायबल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि हर एक चीज को चुटकी भर नमक के साथ लें और सीधे आंख मूंद के विश्वास ना करें। तो फोटो में भी ये दिखाई जैसे दे ही रहा है कि वन प्लस 60 एक रखा हुआ है और साथ में शायद से वो एलिजली वन प्लस 7 का जो प्रोटोटाइप है वो है। तो आज की जो अगली न्यूज आती है इसके बाद वो ये है कि 2019 में आईफोन्स जो है उनके अंदर जो मॉडेम्स होने वाले हैं, मॉडेम के जो चिप्स होने वाले हैं वो या तो सैमसंग के होंगे या मीडियाटेक के होंगे। तो अगर आपको ये बात पता है कि आईफोन्स के अंदर अब 2016 से पहले जो चिप्स यूज होती थी वो क्वालकॉम बनाता था, 2016 के बाद से वो मॉडेम चिप्स जो थी वो क्वालकॉम और इंटेल जो है उन्होंने आधा आधा लोड बांट लिया था। तो कुछ आईफोन्स के अंदर क्वालकॉम वाला मॉडेम होता था, कुछ में इंटेल वाला मॉडेम होता था। पर अब ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि क्वालकॉम वगैरह ने उन पे बहुत ज्यादा केस कर दिया एप्पल वालों पे। तो अब शायद से ऐसा कुछ होने वाला है कि एप्पल जो है वो सैमसंग और मीडियाटेक की तरफ देखने वाला है कि भैया हमें आप मॉडेम अपने प्रोवाइड करिए। आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो ये है कि गूगल का जो क्रोम ओएस है उसके अंदर वो लोग फाइल मैनेजर टाइप का कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उसमें ऐसा कुछ था पर उसमें सिर्फ डाउनलोड्स वाली चीजों को आप एक्सेस करके देख वगैरह सकते थे, पर अब ऐसा कुछ होने वाला है कि पूरा जैसे नॉर्मल एक फाइल मैनेजर होता है विंडोज में एप्पल के ओएस एक्स में, वैसा ही टाइप का उसमें कुछ आने वाला है। तो एक शायद से प्लस पॉइंट वाला मूव हो और शायद से गूगल क्रोम ओएस एक बेहतर और ओएस बन जाए भविष्य में। आज की अगली न्यूज़ ये है कि सैमसंग के बारे में ये आ रही है खबर सामने उड़ती कि शायद से वो लोग 3 नैनोमीटर का प्रोसेस वाला चिप 2021 तक प्रोडक्शन में ले आए और वो मास प्रोडक्शन हो जाए। तो 7 नैनोमीटर तो ऑलरेडी मोबाइल्स में आ चुका है एप्पल के आईफोन्स और हुआवे के चिप्स के साथ, और जल्दी वो समय भी आने वाला है जब 3 नैनोमीटर के प्रोसेस वाले चिप्स जो होंगे जो और एफिशिएंट और फास्ट और पावर एफिशिएंट और अच्छी कूलिंग वाले होंगे और फोन्स वगैरह में आ जाएंगे 2021 तक। आज की अगली कुछ जो न्यूज़ है वो आईफोन 11 से रिलेटेड है। तो आईफोन 11 जो होगा वो शायद से पहला ऐसा फ़ोन होगा जो कि वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है। वाईफाई 6 क्या है, जैसे वाईफाई अभी जो करंट जनरेशन चल रही है वो है 802.11ac, वैसे ही वाईफाई 6 होने वाला है 802.11ax। और ये जो होगा ये बेटर स्पीड्स को सपोर्ट करेगा, डेंस एनवायरमेंट्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वाईफाई प्रोपोगेशन अच्छा होगा उसका। और एक और चीज़ अच्छी होगी कि उसमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी यानी कि आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा बचेगी अगर आप 802.11ax वाईफाई सिग्नल्स को यूज कर रहे होंगे। तो अभी तो ऐसे राउटर्स भी नहीं आए मार्केट में जो 802.11ax को यूज करते हो, और आईफोन्स जो अगले आने वाले हैं वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो प्लस पॉइंट अच्छा मूव है, एक फ्यूचर प्रूफ मूव है इनकी तरफ से। आज की जो अगली न्यूज है वो भी आईफोन से रिलेटेड है कि एप्पल जो है वो 3 नए आईफोन्स निकालेगा इस साल जस्ट लाइक पिछले साल की तरह। और इसमें से जो एक वेरिएंट होगा जो आईफोन 10R का सक्सेसर होगा वो इस बार शायद से ड्यूअल कैमरा के साथ आएगा, क्योंकि सिंगल कैमरा वाली स्ट्रैटेजी तो चली नहीं और लोगों ने ज्यादा आईफोन 10R को खरीदा नहीं है। और इसके अलावा जो आईफोन 10S और 10S मैक्स के सक्सेसर्स आएंगे वो 3 कैमरास के साथ आएंगे। तो जैसे कि लीक्ड इमेजेस से पता चल रहा है कि ये जो लुक और फील है काफी अलग होने वाली है 2019 के आईफोन्स की। और र्यूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि 2020 तक एप्पल के प्लान से कि एलसीडी वाला जो आईफोन है यानी 10R के जो सक्सेसर होंगे उसमें से एलसीडी को पूरी तरह से हटा देने की, सिर्फ एमोलेड डिस्प्लेस वाले फोन्स को तब वो लोग रखेंगे। अगली न्यूज आज की ये आ रही है कि दुनिया का सबसे पहला 5 रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन नोकिया 9 प्योर व्यू जो है वो जल्द ही जनवरी के एंड तक रिलीज हो सकता है। तो सांस थामे बैठिए, हो सकता है कि जल्दी ये लॉन्च होने वाला हो।
आज की अगली न्यूज़ जो है वो भी एक और नोकिया प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नोकिया 6.2 के लीक्स जो है वो बाहर आ चुके हैं और उससे कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 632 चिपसेट के साथ आएगा। ये फोन भी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी में रिलीज होने वाला है और इस फोन की जो बाकी स्पेसिफिकेशन है उससे ये कुछ आइडिया लग रहा है कि शायद से पंच होल डिजाइन वाला फोन होगा और ये मतलब मिड रेंज वाला फोन होगा। इसके अलावा नोकिया 8.1 प्लस भी इसी के साथ लॉन्च हो सकता है और सुनने में अभी ये भी आ रहा है कि इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 9 पाई तो पहले से ही डला ही होगा पर जो बेजल्स होंगे शायद से वो थिक होंगे जो कि इसके र्यूमर्स और रेंडर्स और लीक से सामने निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ ये भी है, थोड़ी अंदर वाली न्यूज़ ये है कि नोकिया 9 प्योरव्यू का जो लॉन्च है ग्लोबल लॉन्च वो शायद से दुबई में हो सकता है और इसी मतलब आगे आने वाले 40 से 50 दिन में ये होने की संभावना है और वो लॉन्च होने के बाद फरवरी के अंत तक कह रहे हैं कि भारत में वो पूरी तरह से ऑफिशियल हो जाएगा। तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कब तक भारत में आता है। दोस्तों आज की अगली लीक जो है वो काफ़ी बड़ी है, वो ये है कि LG G8 जो है वो शायद से MWC बार्सिलोना में लॉन्च होगा 25 से 28 फरवरी के बीच में और यह जो फ़ोन होगा ये शायद से पहला ऐसा फ़ोन होगा जो कि साउंड एमिटिंग स्क्रीन के साथ आएगा, यानी कि इसमें सामने पे से जो ईयर पीस वगैरह और स्पीकर्स हैं उसको एलिमिनेट करके पूरी स्क्रीन में से ही साउंड एमिट होगी। जैसे कि कई सारे टीवीज़ में भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है वैसे ही शायद से साउंड एमिटिंग स्क्रीन वाला पहला ही फ़ोन होगा। रूमर्स तो ऐसे भी आ रहे थे कि सैमसंग के गैलेक्सी S10 में टेक्नोलॉजी शायद से यूज़ हो सकती है पर अभी इस सब को चुटकी भर नमक के साथ में कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली LG G8 जो है वो 4K स्क्रीन के साथ आएगा और साउंड एमिटिंग स्क्रीन के साथ आएगा। ये लीक्स तो अभी बहुत ही ज्यादा सोर्सेस से आ रहे हैं। आज की अगली न्यूज जो आ रही है वो Redmi Note 7 के बारे में है। तो मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 7 जो है उसमें IP सर्टिफिकेशन तो नहीं है पर वो कुछ हद तक वाटरप्रूफ है क्योंकि उसकी कुछ इमेजेस ऐसे सामने आई हैं जिससे ये पता चल रहा है कि उसके अंदर स्प्लैश रेजिस्टेंट सील्स वगैरह लगा रखी है अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा फ़ोन होने वाला है जिसको अगर आप हल्की बरसात में ले जाएं तो भी ये पूरी तरह से ख़राब नहीं होगा। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि Redmi Note 7 इस साल का सबसे खतरनाक फ़ोन हो सकता है और अगर Redmi Note 7 Pro लॉन्च होता है अगले आने वाले कुछ समय के अंदर तो इससे भी बेटर हो सकता है। अब देखने की बात ये होगी कि Xiaomi कितनी जल्दी इन मॉडल्स को इंडिया में लाती है और अगर लाती है तो एग्जैक्ट उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ लाती है या फिर कुछ हेरा फेरी करके लाती है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। आज एक और लैपटॉप रिव्यू वाली वीडियो आने वाली है इंस्पायर टू राइज पे और इंस्पायर टू हिंदी पे भी रात तक मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगी। तो अगर आप दोनों चैनल से सब्सक्राइब्ड नहीं है तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश पसंद करने वाले लोगों को इंस्पायर टू राइज ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। नीचे जो एक छोटा सा घंटा है उसको बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।